वेलकम 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 लाइव विद ऑसी खैदर में। आज जरा डिफरेंट स्टाइल में, वैसे ही मैंने कहा जरा कैजुअल कैजुअल, कोई स्टैंड पे कैमरा ना हो, कभी इस तरह का टच भी होना चाहिए। आज मेरे बड़े मज़ेदार एक गेस्ट हैं जिनकी शायरी मुझे बड़ी पसंद है और उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। अहमद हमाद उनका नाम। लेट्स सी कितनी देर में पिक करते हैं। पिक 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 पिक। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम तौसीक भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वैसे जनाब पीछे बड़ी कोई लाइटें शाइटें का माहौल होता है, लेकिन आज मैंने कहा जरा कैजुअल कैजुअल खेलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स किस्म। जी बहुत अच्छा है। जी कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे तो आपकी शायरियां भी मैं पढ़ता रहता हूँ, और आप जनाब बड़े जनाब लड़कियों के कॉलेज में भी जाते हैं, तो ऐसे फूलों की पत्तियां निछावर हो रही है। मैं कहता हूँ हमारा भाई जो है लेकिन नहीं, लड़कों के कॉलेज में भी पत्तियां निछावर होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के कॉलेज बिल्कुल शुक्रिया। आज अहमद हमाद, आपके बड़े करीबी दोस्तों ने मुझे बड़े खतरनाक सवाल भेजे हैं आपसे पूछने के लिए। जब लोगों को पता लगा अच्छा ना कि लाइव तौसीक हैदर में अहमद हमाद आ रहा है, उनके तो फोने जी आने शुरू हो गए मुझे, ए भी पूछना है उनको, ए भी जी पूछना है। अच्छा कमाल हो गया जी, जबरदस्त है। मैं पहला बिल्कुल शेर तैयार हूं जी। किस उम्र में कहा था? पहला शेर तो सिंह भाई, पहला शेर जब मैं 8th ग्रेड में था तो समर वेकेशंस में बच्चों का एक डाइजेस्ट था, उसमें एक अच्छा, नज्म पब्लिश हुई, तो मैंने वो नज्म पढ़ी। मुझे लगा कि शायद इसको बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने उसमें कुछ चंद लाइनें अपनी तरफ से शामिल कर दी। उसके बाद जाके मैंने अपनी अम्मी को सुनाई तो उन्हें यकीन नहीं आया कि ये लाइनें मेरी हैं। तो मुझे इस उनके यकीन ना करने से मुझे यकीन आ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको वजन में कहा जा सकता है और इस मायार का कहा जा सकता है जो कम अज कम बच्चों के रिसाले में छपता है। तो ये वो मेरी मेरी पहली शेरी कोशिश थी कि जो मैंने की, और फिर घर वालों को बताया, उन्हें उस वक्त तो यकीन नहीं आया, लेकिन बाद में जब मेरी नज्में बच्चों के रिसाले में छपना शुरू हुई तो फिर उनको यकीन आया कि वाकई ये लिखता है, खुद लिखता है और शेर ही लिखता है। कुछ याद है वो उस पहली काविश, अब बस एक वो मोटिवेशनल सा था, या उठै पहली? नौ जो हाँ हाँ क्या क्या क्या? वो था, उठै नौजवान जाग जा जाग जा, उस तरह का था वो। मैं अच्छा अब तो हंसी आती है वो जो ऐसे अच्छा जोशीले ये अपने अजरे मजाक की बात की, लेकिन ये बड़ी, मेरे ख्याल में बड़ा संजीदा एक मौजू है कि क्या एक तख्लीककार खासतौर पे जो शेर कहता हो या नसर कहता हो, वो कुछ अरसे के बाद जब जहनी तौर पर, फिक्री तौर पर एक और लेवल पे होता है, या एक और रुख से, एक और जाविये से, एक और लेंस से दुनिया को देख रहा होता है, तो क्या वो अपनी ही तख्लीक पे सवाल उठाता है? क्या अपनी ही 10 बरस पहले की, 5 बरस पहले की तख्लीक पे वो ये कहता है कि अरे काश ये मैंने शाया ना की होती? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? जी, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं ये समझता था कि शायद ये मेरे साथ ही होता है कि हर 2-4 साल के बाद ये महसूस होता है कि शायद इस शेर को शाया नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों के साथ बात की, टी हाउस में गए, उठना बैठना दोस्तों के साथ शुरू हुआ, तो ये वारदात उनके साथ भी होती थी। फिर मुझे एक दिन टी एस एलियट का एक मजमून मिला जिसमें टी एस एलियट ने मैथ्यू आर्नल्ड का जिक्र किया और बड़े मजेदार उसका एक रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गोएटे की शायरी है, पहले उसने वर्ड्सवर्थ की बात की, उसने कहा वर्ड्सवर्थ की शायरी शायद ता देर जिंदा ना रह सके क्योंकि इसमें जो तनकीद की करंट है वो उस तरह नहीं है जिस तरह गोएटे की है, कि खुद ही शेर को देखना, फिर काटना, फिर खुद ही एक नाकेदाना नजर उस पर डालना और उसको इस तरह प्योरीफाई करते चले जाना, पॉलिश करते चले जाना। तो मेरा ख्याल है कि ये ओके फितरी है, ये सिर्फ मेरे में नहीं थी, मुझे लेटर ऑन आई केम टू नो कि ये तो सारे क्रिएटिव लोगों के साथ ये वारदात होती है। अच्छा, अब आपसे आज सिर्फ बातें नहीं करनी, आपसे एक सुनना भी है, तो जी वो ये ना हो कि वो मतलब सारी बातों में वक्त बीत जाए और वो आपके फैंस और मेरे फॉलोअर्स नाराज हों, तो कुछ साथ साथ इनायत भी करते रहिए। क्या सुना रहे हैं जब आप? आप हुक्म जी आपको एक यहां से एक सुनाता हूं, 3 अशार। इरशाद। मैंने
अय्याम की सफाकी पे अशार लिखे, मैंने अय्याम की सफाकी पे अशार लिखे, मैंने अय्याम की सफाकी पे अशार लिखे, लोग समझे किसी नुकसान पे कुरलाता हूं। वाह अच्छा मैंने अय्याम की सफाकी पे अशार लिखे, लोग समझे किसी समझे किसी नुकसान पे नुकसान कुरलाता कुरलाता हूं। हूं। हर नई बात पे झुटलाते हैं अहबाब मेरे, हर नई बात पे झुटलाते हैं अहबाब मेरे, मुख्तलिफ होने की हर बार सजा पाता हूं। वाह अच्छा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ होने की होने हर की बार सजा पाता हूं। हर बार सजा पाता हूं। तू भी लिख खून से बाजू पे के बिछड़ेगा नहीं, तू आहा। भी लिख खून से बाजू पे के बिछड़ेगा नहीं, मैं भी वादे से न फिरने की कसम खाता हूं। वाह अच्छा है, मैं भी वाह वादे से न फिरने की कसम खाता हूं। दिन निकलता है और रात पड़ती है तो होता हूं सरापा ईमान, रात पड़ती है तो रात पड़ती होता हूं है सरापा सरापा ईमान। ईमान, दिन निकलता है तो वसवास से भर जाता हूं। अच्छा दिन निकलता है तो वसवास से भर जाता हूं। तू भी लिख खून से बाजू पे के बिछड़ेगा नहीं, या नहीं, मैं मैं भी भी जाके बाजार से मुर्गी का खून लाता हूं, मैं भी वादे से ना फिरने की कसम खाता कसम हूँ खाता हूं। और लेकिन मुर्गी आजकल पूरी खाने की कसम खाता आजकल बड़ा कहते हैं कि जी वो पहले वक्तों के जो इस तरह की रोमानवी शायरी होती थी वो बड़ी आप बीती होती थी, हट बीती होती थी, तो मतलब जग बीती सिर्फ नहीं होती थी। आजकल ये सोशल मीडिया के दौर में शायरी भी बड़ी डिजिटल किस्म की हो गई है, क्या वाकई आजकल के शोरा हट बीती लिख रहे हैं? बिल्कुल लिख रहे हैं। बल्कि चंद दिन पहले मैं एक क्लास में था जहां स्क्रीन प्ले की क्लास थी, तो हमारी कोशिश हमारे स्टूडेंट्स के लिए, फिल्म के स्टूडेंट्स के लिए यही होती है कि वो मुताला करें ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा चंद शायरों के बारे में, तो वो जो नए लिखने वाले लोग हैं इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उन्होंने उनके नाम लिए बजाय इसके कि वो जो जिन जिनको हम देवता समझते हैं उनके नाम लेते। इन्होंने, उन स्टूडेंट्स ने उनके नाम लिए जो अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शुआरा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं वो उन लोगों के दिल की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, जब ही तो इनको ये पसंद आती है। हाँ तो वो तो ये है कि वो जो तर्ज एहसास यंगस्टर्स का है वो आज का नौजवान शायर भी उसको लिव करता है और फिर उसको शेर में एक्सप्रेस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बात थी कि जी ये शायर वो शायर है जिसको पढ़ने का लुत्फ आता है, या ये शायर वो शायर है जो मुशायरे का शायर है, जो मुशायरे, ये शायरी मुशायरे की शायरी है ना। एक जरा बात होती थी ना जी कि ये शेर बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका लुत्फ मुशायरे में आता है, जब सामने दो जी चार सौ बंदा बैठा हो और वो वाह वाह कर रहा हो, जानदार गजल है भैया लेकिन है मुशायरे की गजल, है ना। तो या है ना, अच्छा इसका मतलब है ये अब एक तीसरा रंग भी हमें है कि भाई ये सोशल मीडिया की गजल है, ये इसका लुत्फ जी सोशल मीडिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये अब एक थर्ड थर्ड जॉनरा तो नहीं, पोइट्री के जॉनरास तो और है, स्टाइल अप्रोच, ख्याल को बुनने की अप्रोच जो है वो सोशल मीडिया की शायरी की, इसका मतलब है बिल्कुल जुदा है और वो उसी को, उसका टारगेट ऑडियंस भी बिल्कुल फर्क, ऐसा है इसका मतलब है जो आपने बात की। जी लेकिन इसको आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि हम मुशायरे की शायरी आम तौर पे जब अपने नकाद दोस्तों के दरमियान बैठे होते हैं तो कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट है ये किसी भी शायर के लिए कि यार गजल तो बहुत अच्छी है लेकिन है मुशायरे की। तो इससे हाँ जिसको कहा जाता है वो बेचारा बड़ा रिजर्व हो जाता है कि यार ये क्या बात की है, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली मेरी शायरी कागज पर जिंदा रहने वाली नहीं है। तो ये बात एग्जैक्टली तो पुराने लोग ये किया करते थे। अच्छा, उसकी वजह क्या है तौसीफ भाई? उसकी वजह बड़ी मजेदार है। उसकी वजह यह है कि लोग ये कहते हैं जो शेर आपको फौरन समझ में आ जाए वो शेर, इसका मतलब है कि रिपीटेशन है। इंसान को दोहराई हुई हाँ चीज जल्दी समझ में आती है। वाह आपने वो वाह वाह मजमून कहीं सुन रखा है, आपका तर्ज एहसास रिपीटेशन यानी वो रिपीट हो रहा है। इस वजह से कहते हैं जो अछूता नया या चौंका देने वाला शेर होगा
वो मुशायरे की ऑडियंस को फौरन समझ में नहीं आएगा, इसलिए फौरन वाहवा नहीं होगी, फौरन ताली नहीं बजेगी, इसलिए उसका जो घर है, उसका जो कयाम है, वो किताब है, वो कागज है। तो सोशल मीडिया पे तो दोनों तरह है, वो सुनते भी हैं देखते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने बिल्कुल सही बात की कि सोशल मीडिया तीसरी जहत है, थर्ड डायमेंशन है, कि ये बयाक वक्त किताब का काम भी कर रही है क्योंकि लोग आगे पढ़ भी सकते हैं, और बयाक वक्त ये मुशायरे का काम भी कर रही है क्योंकि लोग वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये दोनों तरह की ऑडियंस को कैटर कर रही है, इसमें दोनों तरह की खसूसियात पाई जाती है सोशल मीडिया ही शायरी में, वो मुशायरे की शायरी भी है और किताब की शायरी भी है। अहमद हमाद जब कुछ लिखता है तो उसको खुद से कैटेगराइज करता है कि ये मेरी मुशायरे की गजल हुई आज, या ये मैंने सोशल मीडिया पे फेंकनी है और उस पे हार्ट्स और लाइक्स और आने हैं, या ये मैंने जो अपने अगले, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तीनों जगह? देखिए, मैं बड़े दयानतदारी के साथ आपको बताता हूं कि शुरू में जब मैंने हल्के में जाना शुरू किया पाक किया उसमें, तो मैं इसी तरह की बड़ी कड़ाकेदार किस्म की गजलें कहा करता था, लफ्जियात की तोड़ फोड़ और ख्याल और बड़ा क्राफ्ट और ये वो जो बुजुर्गों से सुनी थी बातें। एक दिन मेरे बड़े करीबी दोस्त ने कहा, उसने कहा कि यार चार पांच गजलें ऐसी भी लिख लो जो मुशायरे में सुनाने वाली है, जो तुम लिखते हो मुशायरे में सुनाने वाली नहीं है। तो मैं पहले तो सोच में पड़ गया कि अच्छा ये क्या इसने बात की है, क्या ये खुद से लिखा भी जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि वो तख्लीकारी क्या जो फरमाइश पे लिख ना सके। फिर मुझे साहिर लुधियानवी की बातें भी पता चली कि उनको ये कहा जाता था कि उनसे जब आपने गाना लिखवाना है तो उनको कुछ दे के खाना वगैरह कमरे में बंद कर दें, और 8 घंटे बाद उन्हें कहें कि तुम्हें 8 घंटे से पहले यहां से उठने की इजाजत नहीं है। तो जब निकलते थे तो फरमाइशी गाना लिखा होता था। आपने जी खाने जी का मैं जरा शराफत के दायरे में, अच्छा, खुरो नोश कह लीजिए तो खाने और पीने की चीजें दोनों। तो आपको भी 8 घंटे के लिए कहीं बंद किया जाए और असाइनमेंट दे दी जाए कि ये एक एक बिल्ली बिल्ली और खरगोशनी की दोस्ती के ऊपर शायरी करनी है बच्चों के लिए, तो हो जाती है इस तरह 3 घंटे 2 घंटे? नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इससे मैंने ये जरूर सीख लिया, मतलब जब ये बड़े लोगों की मिसालें भी सामने थी, कुछ खुद भी मैंने कोशिश की, तो ये सीख लिया कि बिल्कुल ये डूएबल है। मसलन मुझे पीटीवी के दोस्त हैं हमारे अजहर फरीद साहब, उन्होंने कहा कि यार ये 14 अगस्त के मुशायरे के लिए तुमसे कुछ चाहिए। तो अब वो इतना वो था जल्दी, मतलब बहुत कम वक्त में उसने ये कहा। तो मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइव करते करते मैंने सोचना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में मोबाइल था, कलम और कागज तो था नहीं, तो जो मिसरा सूझता था मैं इसको रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड कर लेता था अपने वॉइस को। ठीक है, वॉइस जी हाँ। तो उसके बाद जब मैं पीटीवी पहुंचा, उसके बाद फिर मैंने शाहजी से कहा, मैं कहा शाहजी अब आप मुझे अपना ऑफिस दे दें थोड़ी देर के लिए, मुझे यहाँ पे बैठना है और जो कुछ मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया उसको ट्रांसक्राइब करना है। तो इस तरह वो जो दो बंद किए, वो मुकम्मल नज्म थी वो मुकम्मल की और उसके बाद उनको पेश की। तो ये हो जाता है, मतलब फरमाइश पे लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है इंसेंटिव क्या है। जी हाँ, ये भी सही बात है। ये कमरे में जब बंद हो रहे हैं तो फिर कमरे में और क्या क्या है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ इनायत होना, कुछ सुनाइए जी, मैं आपको पेश करता हूँ कोई नए नए इश्क की कोई चीज, ऐसी चीज सुनाए कि जो अभी अभी जरा हमारे वो सुनने वाले जिनका भी दूसरा तीसरा महीना है मोहब्बत में, वो एंजॉय करें जरा। अच्छा, मुझे फिर वो तलाश करना पड़ेगा उसके लिए जरा थोड़ा सा। अच्छा चले, कुछ भी वो तो मैं वैसे ही जिसका ले रहा था, आप सुनाए। लेकिन इस गजल में एक शेर ऐसा आएगा कि अच्छा? जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होगा, आपके यंगस्टर्स जो है उनके लिए। हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। हाय हाय हाय, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। तो कभी कभी जी हाँ, कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ। अच्छा अच्छा है। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। वाह 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 वाह। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। जो कह कहे ना लगाऊं तो मेरे सीने से। अच्छा, जो कह कहे ना लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर, क्या अच्छा है।
शुक्रिया। जो कह कहे के ना हे ना लगाऊं लगाऊं तो तो मेरे सीने मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने से लगती आने है, लगती है। किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और ये शेर जो यंगस्टर्स के लिए, कि वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, हाँ वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है। लगती हवा से शहर पे जब रात छाने लगती आने है, लगती है, जहाँ तेरी जुदाई मेरी जान को आने को लगती आने है। लगती है। अच्छा है, वाह 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 वाह। अच्छा, हम आप ये शुक्रिया। बताएं कि आप यंगस्टर्स में बड़े पॉपुलर हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां और कॉलेज के मुशायरों में और जाना करना इस वक्त। चलिए, दो अलग अलग सवाल है। पहले ये बताइए कि जो क्या आजकल के नौजवान कारी को या नौजवान सामे को क्या चाहिए? उसको फिक्र चाहिए शेर में, ख्याल चाहिए, लफाजी चाहिए, या लड़की को लड़के को इम्प्रेस करने के लिए कॉपी पेस्ट मटेरियल चाहिए? आजकल का नौजवान अहमद हमाद जैसे शोरा से क्या मांगता है? तो सही, कोई बहुत अच्छा सवाल है। आजकल जो मैं देख सका हूँ, नौजवान लोग, अच्छा मैं जरा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, दोबारा मेरा हाथ थक गया था एक। कोई बात नहीं। अच्छा, आजकल मैंने देखा कि 20s में जिस तरह के हम थे, ये जो नौजवान है 20s के, ये उससे काफी मुख्तलिफ हैं। ये ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, और इसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कुछ इंटरनेशनल जो रिसाले हैं उनमें छपा, तो उससे भी हमें पता चला, और हमारा बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है कि ये बड़े वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। बड़ी जल्दी दिल टूटता है, बड़ी जल्दी खुश होते हैं, बड़ी जल्दी गुस्से में आते हैं, बड़ी जल्दी खिलखिला के हंस पड़ते हैं। तो ये तमाम चीजें जो थी हमारी जनरेशन के साथ, ये उस तरह से मंसूब नहीं थी। हमने हिजर मनाना है तो साल का हिजर मनाना है, वाह वाह जबकि वाह। यहाँ पे चंद घंटों पे मबनी है हिजर। तो अच्छा, अच्छा लेकिन इन बच्चों का जो चंद घंटों पे मबनी हिजर है, वो अपने मैग्नीट्यूड में और इंटेंसिटी में मेरा ख्याल है कि उतना ही होता है जितना हमारा स्लो पेस्ट हाँ, बारिश जो थी धीमी धीमी बरसती थी और वो पूरा मकान ढा देती थी, इनकी हमारा वसल भी मूसलाधार बरसती है। हम हाँ अच्छा, हमारा वसल भी वैसे काफी तवील होता था आजकल के नौजवानों जी हाँ, के बिल्कुल नस्ल। ठीक, बिल्कुल ये इंटरनेशनल फिनोमिनन है कि बहुत ज्यादा ये, बल्कि बर्तानिया में बहस थी कि अब क्या करें, सोशल मीडिया की दुनिया में हो ये गया है कि बहुत शॉर्ट लिविंग रिलेशनशिप्स हैं, 3 महीने 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने काउंट करके कहा है कि 16 हफ्ते के अंदर अंदर वो, हमारे उमर शरीफ साहब कहते थे ना, हेलो रजिया, हाय आई लव यू बाय, तो ये इतना ये बहुत शॉर्ट लिविंग है। अच्छा तो अच्छा ये जो हाँ इसमें हेलो हाय और बाय के दरमियान 16 हफ्ते का जो है, लेकिन यंगस्टर्स पे बहरहाल वो सारी वारदात बीतती तो है ना तौसीफ भाई, वो खुश भी होते हैं, वो उदास भी होते हैं, वो अपने दिल का जो टूटना है उसका दर्द भी शिद्दत से महसूस करते हैं। तो हर तरह की शायरी उनके दिल को छूती है, हर तरह की शायरी। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि नौजवान ये इस शेर को नौजवान पसंद करेंगे। मुझे अलबत्ता जब अपना वो नॉस्टैल्जिक एक वो होता है, या पेंसिव मूड जब नॉस्टैल्जिया में ढल जाता है, तो तब जो मैं लिखता हूँ, तो मैंने फिर एक्सपेरिमेंट ये किया है कि वो चीजें फिर नौजवानों को ज्यादा पसंद आती है। फिर मुझे भी याद आता है कि हाँ, ये मैं जब लिख रहा था तो मैं भी अपने 18वें साल में घूम रहा था और 20वें साल में इंटरेस्टिंग घूम रहा था। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, कुछ इनायत कीजिए ना, क्योंकि मैंने साथ साथ आपसे गाहे गाहे कुछ सुनने की फरमाइश ना की, तो वो हमारे नाजरीन और सामईन जो है वो नाराज होंगे कि भाई सिर्फ जी जी गल्ला जी फिर से सानू ना टरखाओ। बिल्कुल ठीक है जी, मैं आपको पेश करता हूं। बर्फ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, बर्फ हाँ, पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, जहन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते, रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, वाह वाह वाह। रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, दश्त को पांव के छाले नहीं छाले अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते। अच्छा है, दश्त बहुत को अच्छा। पांव के छाले नहीं अच्छे लगते,
उसका कहना है चरागों पे कनात कर लो, उसका कहना है चरागों पे कनात कर लो, और मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे और लगते, मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे लगते। उजाले नहीं अच्छे लगते, रोजे आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, रोजे आइंदा में ढल जा मेरे मेरे बीते हुए बीते हुए दिन, दिन मुझे माजी के हवाले नहीं हवाले अच्छे नहीं अच्छे लगते, रोजे लगते, नहीं अच्छे लगते। आइंदा में ढल अच्छा, जा मेरे बीते मेरे हुए बीते दिन, हुए दिन मुझे माजी मुझे के माजी के हवाले हवाले नहीं नहीं अच्छे अच्छे लगते। लगते। और ये और जो अच्छा, शेर है मेरे बागी बागी दोस्तों और बागी स्टूडेंट्स को पसंद आता है कि तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही ना था, हाँ, तेरे बड़ा हम्माद अच्छा को शेर है ये, लोगों ने बताया ही ना बताया ही ना था, था, शाह को बोलने बोलने वाले वाले नहीं नहीं अच्छे अच्छे लगते, तेरे लगते। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर जी, क्या बात है, हम्माद को लोगों को ने लोगों बताया ने ही ना बताया ही ना था, था। शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। क्या अच्छा, क्या अच्छा। मेहरबानी, शुक्रिया। हमाद, ये बताइए कि मुशायरे मुशायरा लूटा कैसे जाता है? अच्छा, बात यह है कि पहले तो मेरे लिए भी बड़ी मिस्ट्री थी, बल्कि ख्वाहिश भी थी, विशफुल मिस्ट्री कह लेना चाहिए तो, या फुल मिस्ट्री, फुल ऑफ विशेस। तो लेकिन एक दो दफा ऐसा हुआ कि कुछ मुशायरों में मैं ऐसे रूटीन में ही गया, तो मुझे पता चला कि जब खत्म कर चुका, शायरी सुना चुका, तो लोग स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े हो गए और खड़े होकर ता देर दाद देते रहे, और मुझे फिर वापस आना पड़ा और उन्होंने बुलाया वापस, और दोबारा जैसे कि कश्मीर में या हसन अब्दाल में मुख्तलिफ तरह के मुशायरे। तो जो ये चंद एक तजुर्बात हैं उनकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा, एक मैं आपको इससे पहले, जब मैं वापस आया, ये सारा शुक्रिया हाथ हिला के शुक्रिया करके, तो मेरे साथ जो दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया, उन्होंने कहा फिल्म पढ़ाता है ना एक्टिंग कर लेंदा है, इस वास्ते लोग हाँ पसंद हाँ कर दे। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग मुझे, इंटरेस्टिंग। जी हाँ, तो मुझे लगा कि हाँ ये एलिमेंट भी एक बीच में होगा। तो अब ये था कि आपने हिंदुस्तान के डॉक्टर राहत इंदौरी को सुना होगा, वो बाकायदा परफॉर्म करते हैं अपने हर शेर को, परफॉर्मेंस, हाँ, बल्कि एक दफा एक बच्चे ने कहा एक प्रोग्राम में कि मैंने एक मिसरा कहा है तो जरा आपकी तरह मैं इसको कहना चाहता हूं, तो ये जरा सुने, तो मैं जरा कैमरे को दूर कर रहा हूं, तो कहता है कि आसमान, ये आसमान, उसने कहा भाई आसमान यहाँ नहीं, यहाँ करो ऊंचा। हाँ तो कहते जब, चूंकि उनको वो परफॉर्मेंस के बगैर वो सुनाते नहीं है, तो फिर मुझे वहां से भी कुछ अंदाजा हुआ और कुछ अपना भी, ये कि जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी शायरी में और हर लफ्ज जब जी उठता है, जब आपके जुबान से निकलता है और आप पूरी पूरे जिस्म से डिलीवर कर रहे होते हैं उस शेर को, तो मेरा ख्याल है तब ऑडियंस आपके साथ चलती है, तब वो खड़े होने पे और ताली बजाने पे मजबूर होती है। क्योंकि यही वजह है कि हमारे उर्दू अदब में भी, हमारे सिंधी पंजाबी अदब में भी बहुत बड़े बड़े शोरा ऐसे हमें नजर आते हैं जो असातजा का दर्जा रखते हैं, लेकिन जब वो खुद शेर सुनाया करते थे तो शायद इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। जी हाँ, बड़े जी बड़े जी नाम हाँ, जी हमें हाँ, सुनने को मिलते हैं, और बल्कि वो खुद भी अपने इस चीज पे, उन्होंने खुद मजाक भी क्रिएट किया कि भाई मेरा शेर तो सुनने की चीज नहीं है, पढ़ने की चीज है। तो लेकिन आजकल बिल्कुल के सोशल बिल्कुल मीडिया के दौर में मेरा ख्याल है कि ये अदाएं और ये सब कुछ तो आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए, बल्कि फैज अहमद फैज साहब के बारे में यही कहा जाता है कि हाँ, ऐसे मेरा लगता था इशारा उधर जैसे ही था। जी हाँ, तो फैज साहब के बारे में भी, बल्कि जफर इकबाल साहब के बारे में, एक बड़ा नौजवान खूबसूरत शायर, वो पढ़ के गया तो उसके बाद जब ये आए तो कहते हैं कि अब हिरन के बोलने के बाद ऊंट को भी सुन लें, ये कैसे मिलमिलाता है। तो खुद उनको अंदाजा था कि मेरा शेर अंदाज़, पढ़ने का अंदाज, भले जितनी मर्जी अच्छी शायरी है, तो बहरहाल हाँ। मुशायरे में ये मैटर तो करता ही है, ये चीजें मैटर करती हैं, अब जिस यू तरह हैव टू मैं बी एक प्रेजेंटेबल। बिल्कुल अब एक मैं आपको मिसाल दूं, अब मैं एक ऐसा नाम लेने लगा हूं कि जो शेर भी इतना उमदा और अदायगी उससे बढ़कर, अदायगी में क्या परफॉर्मेंस और शेर का मायार भी वाह वाह। मोहतरम अनवर मसूद साहब, जी, बिल्कुल अब अनवर अनवर भाई जिस तरह शेर अदा करते हैं, आप देख
आपके सामने फिल्म चल रही होती। जी जी बिल्कुल, मजाहिया शायरी उनकी, खैर संजीदा शायरी भी बहुत बहुत खूबसूरत, फारसी में बहुत भी, अच्छी फारसी शायरी में, जी जी हाँ क्या अच्छी। तो वो जो संजीदा शायरी है वो भी बहुत उमदा, मुझे कुछ बहुत ज्यादा इल्म तो मेरा फारसी जबान में नहीं है, लेकिन शौक है फारसी शायरी को समझने की कोशिश करने का शौक। तो अनवर साहब जो है वो जिस तरह शेर का हक अदा करते हैं, वो पूरी परफॉर्मेंस बड़ा मजा आता है। तो ऐसे गिफ्टेड लोग भी हैं कि जिन जो दोनों तरह से बहुत जबरदस्त। अच्छा जी जी, हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए ना कि कुछ सुनाए। अच्छा जी, मैं आपको सुनाता हूँ जनाब। आपके हुक्म पे मैंने किताब जो है वो ला के रखी हुई थी, और मैं सोच रहा था कि इसको मैंने हमाद को कहा था, हमाद तेरी फोटो नहीं मैं देखनी, तेरी गल्ला नहीं मैं सुननी, तेरी शायरी भी सुननी। बिल्कुल ठीक है जी, मैं हाजिर हूँ एमनेशन, जनाब। हथियार, शायर का हथियार उसके पास होने चाहिए। वाह। ये ना होने के जी वो दूसरे कमरे में मेरी शायरी पड़ी है। नहीं जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं आपको गजल पेश करता हूँ एक। इनायत कीजिए इरशाद। अपने होने का अभी इजहार नहीं कर सकता, अपने होने का अभी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं प्यार कर नहीं कर सकता, सकता। हाँ मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता, तूने छोड़ा तो यकीन आया के कर सकता है, तूने वाह, छोड़ा तो यकीन आया के कर सकता है, मैं समझता था मेरा यार नहीं कर नहीं सकता, कर सकता। वाह वाह, क्या तूने अच्छा, छोड़ा तो यकीन क्या आया के कर सकता है, मैं समझता था मेरा यार मेरा नहीं यार कर नहीं कर सकता, सकता। बहुत अच्छा, मैं समझता था मेरा यार नहीं कर सकता, सामने आके तेरे बारे में सच बोलता हूँ, अच्छा सामने आके तेरे बारे में सच बोलता हूँ, यानी छुप कर मैं कभी वार नहीं कर वार नहीं कर सकता, सकता, यानी सामने छुप आके कर तेरे मैं कभी कभी वार नहीं वार कर नहीं कर सकता। सकता, अच्छा सामने आके तेरे बारे में सच बोलता हूँ, यानी छुप कर मैं कभी वार नहीं कर सकता, और जिस तरह मैंने जमाना भी तेरी नजर किया, ये हमारे हमारे जमाने की मोहब्बत थी, जिस अच्छा तरह मैंने जमाना भी तेरी नजर किया, उस तरह शहर का जरदार नहीं कर नहीं सकता, कर सकता। वाह वाह जिस वाह वाह, तरह मैंने जमाना भी तेरी नजर किया, उस तरह शहर का जरदार नहीं कर सकता, हर तूने एक को खुश छोड़ा फहमी होती है। तो जी तूने छोड़ा तूने तो छोड़ा यकीन आया के कर सकता कर है, सकता है, मैं समझता था मेरा यार मेरा नहीं कर यार नहीं सकता। कर सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जरा नवाज मतलब क्या आप समझते हैं हम्माद के जो आपकी आपकी जिंदगी में जो एक्चुअल ब्रेकअप था, जो वाकई आप में इश्क को टूटा, इश्क टूटा, वो वक्त की शायरी हम्माद की, और ये शायरी जो उतरती है, जिसे हम कहते हैं जो क्राफ्टेड होती है, उसमें आप अपनी शायरी में फर्क महसूस करते हैं जब एक्चुअली टूट के लिखा था या दूसरी शायरी? वाह, ये सवाल बहुत अच्छा है, कभी किसी ने नहीं पूछा था, तो ये आप ही से इसकी तवक्को थी। मुझे आपके साथ किया हुआ प्रोग्राम आज भी वो याद है, तरोताजा है जहन में। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे इससे वो तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय ये सवाल पूछ के तो उस वक्त जो शेर था वो फौरन एक, आप समझ लें, चीख थी, कराह थी, और जो अब है वो शहनाई है, जो वाह कि समझने वाला समझता है कि ये रो रही है, दरअसल वो एक अलामत है। तो आप समझ लें कि उस वक्त डायरेक्ट एक्सप्रेशन था, अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, वो ज्यादा स्रीउल असर था, जूद था, तेज था, शार्प था। अब ये है कि वो जैसे खालिद शरीफ साहब का है ना, तुम्हारे प्यार का रंग ये धीमा है मगर कच्चा नहीं है, तो धीमा है लेकिन उतरेगा नहीं, तो अब उतरेगा ये नहीं। है। तो मेरा ख्याल है कि हम आज भी उसी एक वाक्य का नोहा लिख रहे हैं,
लेकिन बस फर्क ये है कि पहले कुरला रहे थे, अब सिसक रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये बकुआ होना भी जरूरी है। ये बकुआ ना होना क्रिएटिव आदमी के साथ तो फिर वो रंग कच्चा रह जाता है, फिर वो रंग जी पता जी लगता है बिल्कुल कच्चा है। और ये बिल्कुल बकुआ, ठीक। ये हादसा जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, और आपके केस में तो बहुत जल्दी हो गया था, इसलिए वो फिर खुतबी कलाम में जी, ये फिर ठीक आई बात है, भी आप ठीक बात। जल्दी आई। अच्छा ये बताइए कि क्यों क्यों ये जब पता नहीं, इस सवाल को बुनना शायद मुझे नहीं आ रहा, मैं बहुत क्रूड अल्फाज में पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन क्यों, या एक्चुअली इस सवाल को मैं यूं रखता हूं, क्या अब भी ऐसा होता है कि अगर कोई खातून शायरा बहुत अच्छी गजल कहने लग जाए, बहुत अच्छा शेर कहे, आप मर्द शोरा क्यों यकीन नहीं करते कि वो खुद ही लिखती होगी? अच्छा वैसे ये बात आपकी दुरुस्त है, हमारा अमूमी रवैया यही है हम दोस्तों का, शायर लिखने वालों का। लेकिन मैं तो जहाँ जाती तौर पे, चूंकि मैं खुद इस मामले में बिल्कुल खरा और सीधा साधा आदमी हूँ, तो इसलिए मैं यकीन कर लेता हूँ। अगर कोई खातून कहती है कि ये मैंने लिखा है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ लिखा होगा। वारदात ये भी फितरत की तरफ से है, इजहार ये भी कुदरत ने वदियत किया होता है, तो ये उसकी तकसीम है, जिसको मिले जिसको दे दे। तो इस पे तो ये जो तख्लीकी वारदात है, क्रिएटिव प्रोसेस, इस पे देखें कितने साइको एनालिसिस हो चुके हैं, कितना इस पे साइंटिफिकली सोचा गया है। अभी कुछ समझ में आती है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आती कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए, कॉम्प्रिहेंड किया जाए कि ये क्या है। तो लिहाजा हम राइट अवे एक स्विंग स्टेटमेंट दे के ये नहीं कह सकते कि किसी खातून ने लिखा है। शायद ये कहने की वजह यह है कि कोई अच्छा कहे और हम उसको ना माने, वजह यह है कि ट्रेडिशनली ख्वातीन, चूंकि जिंदगी में हमारी मशरकी ख्वातीन बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हैं, अपनी उनकी जिंदगी में बखेड़े इतने ज्यादा हैं, उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो शायद फिर उस तरह से वो अपने क्राफ्ट को उसकी आँच में पका नहीं सकती, उसकी तजर्बे की आँच में, या जो लर्निंग की जरूरत होती है, जितना सीखना होता है उरूज वगैरह, तो शायद इस वजह से लोगों को शक होता हो। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ ये समीना राजा कितना अच्छा लिखती थी नज्म, और परवीन शाकिर की गजल जो थी वो उस्तादों की गजल, असातजा की गजल का दर्जा हासिल है परवीन की गजल बेशक को, बेशक, और अदा जाफरी कितना अच्छा लिखती थी। तो फातिमा, हमारे यहाँ बहुत फातिमा जी हसन, हाँ मतलब बेशुमार जी नाम हाँ है, कोई एक अभी इस वक्त बिल्कुल फहरिस्त हम गिनने लगे तो। लेकिन हाँ, लेकिन जनरली इस हमारे माशरे का उर्दू शायरात के हवाले से ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तासुब कह लीजिए, या ये रहा है। जी तो हाँ जानना मैं ये बिल्कुल, चाह रहा था कि क्या अब भी है, या ये मेरा ख्याल अब भी है, अभी अभी भी है। अभी बल्कि है, मुझे अभी याद है। आया, हल्के में एक दफा फहमीदा आप आई, फहमीदा रियाज इधर लाहौर, तो वहां एक सीनियर हमारे लिखारी थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह से मिलती जुलती बात की। उन्होंने कहा कि, उन्होंने फहमीदा आपा से कहा कि आपके अंदर मर्दों के खिलाफ मुखासमत पाई जाती है। तो अब ये किशवर आपा और फहमीदा आपा, हम जानते हैं उनके मौजूआत क्या हैं, वो कितना वो खुल के अपना इजहार करती हैं। तो फहमीदा आपा ने गुस्सा किया इस बात का, और शी लेफ्ट द सेशन राइट अवे, उठ के चली गई, कहते मैं हाँ नहीं ये सुन सकती, ये बात आप क्या कर रहे हैं, बात सारी जिंदगी होगी मुझे ये सुनते हुए। तो हाँ वो एक है, वो मतलब एक कुछ है ना, ट्रस्ट डेफिसिट हम दोनों ट्रस्ट ये जेंडर्स क्यों में। बड़ा बड़ा जी हाँ ये बड़ा। है ये है। अब आप वही बात है कि हम, अब ये जो दो नाम आपने लिए हैं, किश्वर साहिबा का, किश्वर नाही और फहमीदा रियाज, मतलब ये ऐसे, इनके ऊपर थीसिस होते हैं, इनके काम पे काले लिखे। अच्छा जी, वक्त की कैद भी हमें जकड़े हुए है। मुझे कुछ अब आखिर में कुछ मजेदार सा कुछ इनायत कीजिए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सेशन को इख्तिताम की तरफ लेकर बढ़े। मैं बाजेन में तो इतनी बातें आ रही हैं, आपसे तो बहुत से लंबे लंबे सेशंस हो सकते हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन कुछ इनायत जरा हो ना। नवाजी जी, मैं आपको पेश करता हूं। मैं यहां से कुछ आपको बिल्कुल ताजा तरीन जो है वो आपको पेश करता हूं। इरशाद, ये सॉरी मैं जरा एडजस्ट कर लूं, चलें हो गया। जी जी नो प्रॉब्लम। जल्दबाजी में
जल्दबाजी में मजे को मत गंवा आहिस्ता, जल्दबाजी में मजे को मत गंवा आहिस्ता, जोक परवर साथिया बहरे खुदा आहिस्ता, बहरे खुदा आहिस्ता आरिया, बहरे खुदा आहिस्ता। और ये शेर सुनिएगा, जात जात और मारूज के सारे ताल्लुक मिट गए, जात और मारूज के सारे ताल्लुक मिट गए, मैंने तेरी याद से बस ये कहा आहिस्ता आहिस्ता। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। जात और मारूज के सारे ताल्लुक मिट गए, ताल्लुक मिट गए, मैंने तेरी याद से बस ये कहा आहिस्ता आहिस्ता, मैंने तेरी याद से बस ये कहा। कमबख्त, अफसोस ही यही है हमाद की, यही रियलिटी है। जी हाँ जी हाँ, है ना, वाह वाह सही बात है। और ये शेर तौसीक भाई, वालेहाना पन कहीं जख्मी ना कर दे पाओ को, वालेहाना पन कहीं जख्मी ना कर दे पाओ को, मेरे घर का रास्ता है खुरदरा खुरदरा। मेरे घर का रास्ता है खुरदरा खुरदरा आहिस्ता, वालेहाना पन कहीं जख्मी ना कर दे पाओ को, मेरे घर का रास्ता है खुरदरा आहिस्ता, मेरे घर का रास्ता है खुरदरा आहिस्ता, बड़ी मुश्किल बहर है। शुक्रिया जनाब। और ये आखिरी शेर, मैं भी तो देखूं कि कैसी शक्ल बनती है तेरी, मैं भी तो देखूं कि कैसे शक्ल बनती है तेरी, मैं भी तो देखूं कि कैसी शक्ल बनती है तेरी, जब कोई तुझसे कहे वारफ्ता पा आहिस्ता, आहिस्ता। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। मैं भी तो देखूं कि कैसे शक्ल बनती है तेरी, मैं भी तो देखूं कि कैसी शक्ल बनती है तेरी, जब कोई तुझसे कहे वारफ्ता पा आहिस्ता। जात और मारूज के सारे ताल्लुक मिट गए, मैंने तेरी याद से बस ये कहा आहिस्ता आहिस्ता। बहुत आहिस्ता, बहुत अच्छे, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी तौसीक भाई, बहुत लुत्फ, बड़ा मजा आया। हंसते रहे, खुश रहे, इसी तरह आपकी शख्सियत एक मतलब उसके अंदर एक अपना रस भी है। और मैं कहता हूँ कभी कभी मैं आया ना लाहौर तो कुछ प्लान ऐसे करेंगे, आप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, मतलब आप जो पढ़ाते हैं आपकी क्लास में, मैं पीछे बैक बेंचर बन के बैठ के आपकी क्लास अटेंड करना चाहूंगा। आप बड़े दिलचस्प टीचर होंगे, मेरा ये ख्याल है। जरा लिवाजी, ये तो मेरी बड़ी खुश नसीबी होगी। बल्कि जब आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो बताइएगा, हम आपके साथ एक सेशन रखेंगे स्पेशल। जरूर जरूर, नहीं नहीं, वो स्पेशल सेशन में तो आप मुझे स्पॉटलाइट में बिठा देंगे सामने बच्चों के। नहीं वो चलो, वो भी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, बिल्कुल आई विल बी ऑनर्ड। लेकिन एक सेशन में वो भी अटेंड करना चाहूंगा जब मैं पीछे बैक बेंचर बैठ के उन वो जो बच्चे नहीं आखिर में बैठे होकर सिर्फ सीटियां मारते हैं, जो फिर टीचर मुड़ के कहता है ये कौन था, वो वाला स्टूडेंट बनना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, जबरदस्त है, क्या बात। आई होप यू एंजॉयड, मुझे तो बड़ा मजा आया सेशन का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे वैसे भी आप जी मैं तो वैसे भी हम सब दोस्तों का और हमारी जो ये सारी एंटायर जनरेशन है, आप हमारे पसंदीदा तीन एंकर्स में से थे। और मुझे एक स्टूडेंट कल भी कह रहा था कि तौसीक भाई से पूछिएगा कि अब वो शोज कम क्यों करते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं उनसे पूछूंगा। नहीं मैं कम नहीं करता, मैं पीटीवी होम पे रोजाना सुबह राइजिंग पाकिस्तान शो करता हूँ, रोज 7:30 से 9 बजे तक लाइव होता है और शाम में 4 लेट जागता है, मैंने उसे बताया आप होता है, ऑनलाइन भी होता है। लेकिन मेरा ये जो है लाइव विद तौसीक हैदर, ये हफ्ते में 3 शोज में करता हूँ। तौसीक हैदर ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे ऐसे बहुत से सेशंस पड़े हुए हैं, आप के दोस्त के लिए जाके सब्सक्राइब करें। और इसका मतलब कोशिश यही होती है जो मोहब्बत है ना, इसका मतलब है कि जितना भी वो देख ले वो कम लगता है उसको, शायद इस वजह से मिस कर रहा था, तो मैं भी इसी वजह से आपको मिस करता हूँ, जितना देखिए उतना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, खुश रहें, जीते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी थोड़ी देर में इसको अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर आपको लिंक भेजता हूँ, आप अपनी
सारे मोहब्बत करने वालियों और मोहब्बत करने वालों के साथ फिर वो लिंक शेयर कीजिए। ठीक है तो सिंह भाई, बिल्कुल ठीक है, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, जीते रहे, थैंक यू, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।